और चलिए अब नजर उन चार बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, जिनका हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। पहली बड़ी खबर आज की होगी बंगाल से, जहां पहले चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन होगा। पहले चरण की 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे और ये सभी सीटें आदिवासी बाहुल्य जंगल महल इलाके के 5 जिलों में फैली हैं। और देखिए इन सीटों से जुड़ी हर जानकारी और वहां से जुड़ा हर अपडेट पूरे दिन हम आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, आज की दूसरी बड़ी खबर भी बंगाल से है, जहां अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आज हुंकार भरेंगे। योगी की गंगा सागर और नंदीग्राम में 2 रैलियां हैं, जबकि अमित शाह 4 रैलियां करेंगे। पूरे दिन योगी और शाह की रैलियों से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा जी हिंदुस्तान। तीसरी बड़ी खबर बंगाल से ही है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गंगा सागर में योगी के सामने होंगी। और इसके अलावा ममता बनर्जी आज 3 और रैलियां करने वाली हैं। ममता के निशाने पर आज योगी और प्रधानमंत्री मोदी होंगे। और देखिए इस खबर पर भी दिन भर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। चौथी बड़ी खबर, आज की चौथी बड़ी खबर कोरोना के बढ़ते कहर से जुड़ी है। बीते 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी है और 40,715 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 199 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में भी कोरोना केस 1,000 से ज्यादा बढ़े हैं और 4 मरीजों को जान से हाथ धोना पड़ा है। कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पहले चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन रहेगा। 5 जिलों की 30 सीटों पर पहले चरण में पोलिंग होगी। 27 मार्च को 30 सीटों के लिए मतदान होगा। पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर में 30 सीटें हैं। और आपको बता दें कि 30 सीटों के लिए 191 उम्मीदवार मैदान में हैं। और इसी के साथ यहां पर, क्योंकि पहले चरण का प्रचार का आखिरी दिन है, 5 जिलों की 30 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो रही है। 27 मार्च को 30 सीटों पर मतदान होगा, वोटिंग होगी। और चलिए 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इन 5 तस्वीरों में जरा देखिए, क्योंकि राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, मिथुन चक्रवर्ती, गौतम गंभीर, ये वो 5 बड़े चेहरे जो आज आपको बंगाल की धरती पर नजर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज आज पूरी ताकत झोंकेंगे, क्योंकि आज शाम इस प्रचार का आखिरी वक्त होगा। और देखिए पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन शाह पूरी ताकत झोंकेंगे। आज अमित शाह की 4 ताबड़तोड़ रैलियां होगी। पुरुलिया में सुबह 11:30 बजे रैली और झारग्राम में 1:10 पर होगी। पूर्वी मेदिनीपुर में 2:45 पर और बांकुड़ा में शाम 4:45 पर अमित शाह की रैली होगी। यानी 4 रैलियां ताबड़तोड़ गृहमंत्री अमित शाह बंगाल में आज करेंगे, क्योंकि पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होना है, उससे पहले आज प्रचार का आखिरी दिन रहेगा। और देखिए फिर से 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पुरुलिया, झाड़ग्राम, पूर्वी मिदनापुर और बांकुड़ा, यहां पर क्योंकि अमित शाह आपको नजर आएंगे। दरअसल बंगाल में आज 4 जगहों पर अमित शाह की रैलियां होनी है, ताबड़तोड़ प्रचार यहां पर किया जाएगा। और एक पुरुलिया में सुबह 11:30 बजे अमित शाह की रैली होनी है। जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में भगवा शक्ति का शंखनाद, आज शाह योगी राजनाथ का प्रचंड प्रहार, शाह योगी का वार, दीदी का खेला शेष। बंग की जंग में पहले चरण की 30 सीटों पर प्रचार का शोर आज शाम को थम जाएगा, लिहाजा बीजेपी ने भगवा शंखनाद के लिए अपने सबसे तगड़े योद्धाओं को राष्ट्रवाद की धरती पर उतारा है। भगवा के योद्धा नंबर 1 अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह 4 रैलियां करके दीदी के किले में हल्ला बोलेंगे। अमित शाह पुरुलिया, झाड़ग्राम, पूर्वी मेदिनीपुर और बांकुड़ा में जहां पहले चरण में वोट डाले जाने हैं वहां हुंकार भरेंगे और दीदी के तुष्टीकरण और गुंडा राज पर आखिरी प्रहार करेंगे। इस बार ममता दीदी के गुंडों को दिन में तारे दिखाई पड़ने वाले हैं। भगवा के योद्धा नंबर 2 योगी आदित्यनाथ, बंगाल में भगवा क्रांति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ भी आज दक्षिण 24 परगना और नंदीग्राम में दहाड़ेंगे। टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते, और याद करना 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। भगवा के योद्धा नंबर 3 राजनाथ सिंह,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दक्षिण 24 परगना, हुगली और बांकुड़ा में हुंकार भरेंगे। ये ममता दीदी कह रही हैं बंगाल में खेला हो गए, कहती हैं बंगाल में खेला हो गए, लेकिन ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं खेला हो गए निश्चय हो गए, और अब तो बंगाल में बोडो खेला हो गए। ऐ खेला विकास का खेला हो गए, ऐ खेला शांति का खेला हो गए। बंग की जंग में पहले चरण में 27 मार्च को जिन 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे वो जंगल महल में आने वाले 5 जिलों में पड़ती है, पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पूर्वी मेदिनापुर और पश्चिमी मेदिनापुर। 2016 के विधानसभा चुनाव में इन 30 सीटों में 27 पर टीएमसी ने कब्जा जमाया था जबकि बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन इस बार इन आदिवासी बहुल सीटों पर अगर योगी शाह का शंखनाद दीदी का किला ढहा दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।